हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा है कुछ पुराने एंशंट मेगालिथिक जार्स जो हैं वो मिले हैं असम से, जो असम को कनेक्ट करते हैं लाओस और इंडोनेशिया से। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी अगर आप कोई भी कोर्स स्टडी IQ पे लेना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं Viro33। इस पर 33% ऑफ आपको मिलेगा किसी भी कोर्स पे। आप ये डिस्काउंट कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप असम स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्मार्ट कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। असम PSC, SSC, TET, GK, EMI पे भी इनकी बारे में जानकारी आप कॉल करके या साइट विजिट करके ले सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे देखिए मेगालिथिक स्टोन जार्स मिले हैं। मेगालिथिक हम किसको रेफर करते हैं? प्री हिस्टोरिक टाइम के जो आपके मॉन्यूमेंट्स हों या चीज़ें हों जो लार्ज स्टोन से बनी हों, उसको हम रेफर करते हैं एज मेगालिथिक। तो अब काफ़ी मेगालिथिक स्टोन जार्स जो हैं वो असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं, जिसमें फोकस फिर से खींच के लाया है। यहाँ पे लिंक हम जनरेट हो पा रहा है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। यानी आप सेकेंड मिलेनियम BC से की बात यहाँ पे कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जगहें कनेक्टेड हैं। अब ये कनेक्शन किस हिसाब से हो सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग थे क्या वो एक जैसा कल्चर प्रैक्टिस करते थे या कुछ भी इससे रिलेटेड, कुछ ना कुछ कनेक्शन उनके बीच में था, क्योंकि सेम इस तरह के जार्स साउथ ईस्ट एशिया में भी देखे गए हैं। राइट, तो यहाँ पे ये असम का मैप है, ये दीमा हसाओ एरिया है जहाँ पे ये चीज़ डिस्कवर, ये जार्स, मेगालिथिक जार्स जो हैं वो देखे गए हैं। ये देख लीजिए कैसे कैसे इस तरह की पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। अब एशियन आर्कियोलॉजी जो है उन्होंने इन जार्स को कहा है कि यूनिक आर्कियोलॉजिकल फेनोमेना है। पहली बार यूनिक इस तरह के जार्स देखने को मिले हैं। अब डेफिनेटली इस पे और भी रिसर्च की ज़रूरत है एक्चुअल में कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए कि क्या लिंक है असम और लाओस एंड इंडोनेशिया के बीच में, क्योंकि दो और साइट्स हैं जहाँ पे सेम तरह के जार्स मिले हैं। तो प्रॉबेबली कल्चरल रिलेशनशिप यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। प्रिंट मीडिया में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज़ जो है वो आई थी। अब मेगालिथ बोल रहे हैं तो व्हाट इज मेगालिथ? मेगालिथ मतलब एक लार्ज पत्थर, एक बड़ा सा पत्थर जिसको यूज़ किया गया है कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कोई मॉन्यूमेंट यानी कोई बिल्डिंग खड़ी करने के लिए। या तो एक इतना बड़ा पत्थर आपने अकेला एक ही पत्थर यूज़ किया या बाकी बड़े बड़े पत्थरों के साथ मिला के कोई मॉन्यूमेंट बनाने की कोशिश की गई है। उनको मेगालिथ्स बोलते हैं। भारत में जितने भी मेगालिथ्स हैं सब काफ़ी प्रोमिनेंट हैं और वो मेनहर्स, रॉक कट ब्यूरियल, चैम्बर टॉम, डॉलमेन, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्कल, एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स, ये सब में आपको मेगालिथ्स देखने को इंडिया में मिलते हैं, सब नोटेड हैं। मेगालिथ कल्चर के अगर हम बारे में बात करें तो जो ब्यूरियल साइट थी जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था या उनके एक्चुअल ब्यूरियल रिमेन्स जो हैं वो रखे जाते थे, जैसे डॉल्मेनॉइड सिस्ट हो गए, ये बॉक्स शेप्ड स्टोन ब्यूरियल चैम्बर्स थे। बॉक्स की शेप में स्टोन के ब्यूरियल चैम्बर्स थे जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी की जाती थी। कैरन सर्कल्स हो गए, ये स्टोन के सर्कल्स थे, इनकी पेरिफ्रीज थी, इनकी बाउंड्रीज डिसाइड की जाती थी। कैपस्टोन्स हो गए, ये मशरूम शेप्ड ब्यूरियल चैम्बर्स थे जो कि केरला में पाए जाते हैं। तो मैं मेगालिथ कल्चर के बारे में आपको बता रही हूँ कि आपको ब्यूरियल रिमेन से रिलेटेड इस तरह की साइट्स पे इस तरह के मेगालिथ्स मिलते थे। कमोमरेटिव मेगालिथ्स जिसमें मेमोरियल साइट्स आती हैं, आर्कियोलॉजिस्ट मेजॉरिटी मेगालिथ्स जो हैं वो आयरन एज से जोड़ते हैं, यानी 1500 BC टू 500 BC। कुछ साइट्स इससे पहले भी हो सकती हैं, एक्सटेंडिंग अप टू ईयर 2000 BC तक भी। तो ये चीज़ है मेगालिथ कल्चर के बारे में कि किस तरह का कल्चर उस टाइम में था। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको मेगालिथ्स देखने को मिलते हैं। जो मेजॉरिटी मेगालिथ साइट्स हैं इंडिया में वो आपको पेनिनसुलर इंडिया में मिलती हैं, यानी जो आपकी स्टेट्स महाराष्ट्र होगी, स्पेशली विदर्भा वाला एरिया, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर आपको बहुत सारी मेगालिथिक साइट्स जो हैं वो मिलती हैं। कमिंग बैक टू अब जो इनको आर्कियोलॉजिकल मेगालिथ जार्स मिले हैं, पहली बार असम में ये जार्स जो है 1929 में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स थे जेम्स फिलिप मिल्स एंड जॉन हेनरी हटन, उनको ये दिखे थे। उन्होंने इनका प्रेजेंस 6 साइट्स में देखा। दीमा हसाओ में, देरबोर जो आज होजाई दोबोंगलिंग है, उसके बाद उबाक, कार्टोंग, मोलोंगपा जो आज मिलंग प्यूरम है, दुंगलो और बोलासन। तो ये एरियाज हैं जहाँ पे ये जो सिविल सर्वेंट्स थे इन्होंने इन मेगालिथ जार्स को नोटिस किया था। फिर इन डिस्कवरीज को फॉलो अप भी किया गया 2014 में। यहाँ पे एक कोलैबोरेटिव एफर्ट देखा गया रिसर्चर्स के द्वारा। ये रिसर्चर्स नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी और नागालैंड यूनिवर्सिटी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गुवाहाटी सर्कल के अंडर आती है, उन्होंने मिलकर इस रिसर्च को आगे बढ़ाया और भी साइट्स जो हैं वो 2016-2020 में डिस्कवर की गई। अब रिसर्चर्स ने इनको डॉक्यूमेंट तो कर लिया। उन्होंने देखा कि ये जो जार्स इन्होंने देखे हैं ये 3 अलग अलग शेप्स में हैं, बल्बस टॉप विद कॉनिकल एंड, बायोकॉनिकल, सिलिंड्रिकल। तो अलग अलग शेप्स में उनको ये जार्स जो हैं यहाँ पे मिले और हिल स्लोप्स पे, रिज लाइंस पे। एक साइड में एक जगह पे तो इनको 546 जार्स जो हैं वो मिले। अब मोस्टली जो जार्स थे उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। अब कंडीशन ख़राब होने के रीजंस नेचुरल रीजंस हैं। फॉरेस्ट आपका इंक्रीज हो रहा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन लोग यहाँ पे अपनाते हैं, तो बर्निंग की वजह से भी इनकी कंडीशन ख़राब हो गई। तो अब इन जार्स का मिलना जो है, सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जार्स अभी भी इनका साइंटिफिकली डेटिंग नहीं की गई है कि कब से बिलोंग करते हैं, लेकिन लिंक्स यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं कि ये स्टोन जार्स जो है लाओस और इंडोनेशिया में जो जार्स मिले हैं उनसे मिलते जुलते हैं। देखने में बाहर से अगर आप देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल, टिपोलॉजिकल ये सिमिलैरिटीज़ आपको ये जार्स उनसे देते हैं, लेकिन कोई और अभी तक इंडिया में हमने और कोई पैरेलल ड्रॉ नहीं किया है। सिर्फ ये जार्स ही मिले हैं जहाँ पे हम बोलें कि नॉर्थ ईस्ट का कुछ ना कुछ कनेक्शन साउथ ईस्ट एशिया से है। कुछ ऐसा पैरेलल और हमको कोई और पॉइंट नहीं मिला है, इसलिए अभी इस पे और भी रिसर्च होगी कि हम जिसके बलबूते पे कह पाएंगे कि कल्चरल प्रैक्टिसेस दोनों जगह पे कुछ सेम थी। अब ये जो जार्स हैं इनको फ्यूनरल प्रैक्टिसेस से जोड़ा जा रहा है। फ्यूनरल यानी किसी का जो लास्ट किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद जो भी रस्में की जाती हैं, फ्यूनरल प्रैक्टिसेस हर कम्युनिटी की, हर रिलीजन में अलग होती हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन फ्यूनरल प्रैक्टिसेस से जोड़ा जा रहा है। लाओस साइट सजेस्ट करती है कि वहाँ पे जार्स को इस तरीके से रखा जाता था लेट सेकेंड मिलेनियम बीसी में। यानी किन जगहों पे रखा जाता था? फ्यूनरल, जहाँ पे किसी को दफनाया जाता था या जो भी उनकी प्रैक्टिसेस थी, डेड बॉडी के साथ वो क्या करते थे, उन जगहों पे उनको ये जार्स मिलते थे। यानी मॉर्चुरी प्रैक्टिसेस आप कह सकते हैं, ये जार्स का लिंक उनसे है। अब एक जो पेपर है इसमें रिसर्चर्स बोलते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन दिखता है स्ट्रॉन्ग जार्स का और मॉर्चुरी प्रैक्टिसेस। मॉर्चुरी प्रैक्टिसेस आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स आपको इनसाइड दिस जार्स मिले हैं या अराउंड द जार्स मिले हैं कि वहाँ पे स्केलेटन्स आपको मिले हैं। तो आप कह सकते हैं कि मॉर्चुरी प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। इंडोनेशिया में अभी इन जार्स का जो फंक्शन है वो कन्फर्म्ड नहीं है। लाओस में तो कन्फर्म मतलब स्ट्रॉन्ग रीज़न ये दे रहे हैं, लेकिन स्कॉलर्स वहाँ पे भी, इंडोनेशिया में भी सजेस्ट करते हैं कि सिमिलर मॉर्चुरी रोल हो सकता है। ये लाओस में जो मिले हैं देखिए जार्स, और ये जो असम में मिले हैं, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ बाहर में आपको इनको देखने में मिल रही हैं। तभी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इनमें कोई कनेक्शन है। इंडोनेशिया में भी देखो जो स्टोन के जार्स मिले हैं और असम में, यहाँ पे आप दोनों साइड्स को कंपेयर कर सकते हो, काफ़ी सिमिलैरिटी आपको देखने में मिलेगी। इसी वजह से ये सजेस्ट किया जा रहा है कि देयर कुड बी सम कल्चरल कनेक्शन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जार्स जो है मॉर्चुरी रिचुअल्स, दूसरा कि मॉर्चुरी रिचुअल्स से ये जुड़े हुए हैं। 2 रिसर्चर्स हैं वो बोलते हैं कि हो सकता है कि एंसेस्ट्रल बोन रिपोजिटरी, जो बोन्स या स्केलेटन्स थे ट्राइब्स जैसे मिकीर थी, साक्चिप्स थी, कुकी, खासी, वो बोन्स यहाँ पे रखती हों। बोन के फ्रैगमेंट्स क्योंकि एक जार में यहाँ पे मिले हैं। 1930s में एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूर्सुला ग्राहम जोबोरिस जो थे, उन्होंने इनको फ्यूनररी अर्न्स का नाम दिया था। उन्होंने भी मॉर्चरी प्रैक्टिसेस से ही इसको जोड़ा था। अब डेफिनेटली इसको कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट फेज में और भी ज़्यादा अभी एक्सकेवेशन की ज़रूरत है। मटेरियल रिमेन्स यहाँ पे क्या हैं, फिर डेटिंग की जाए उसकी कि साइंटिफिक डेटिंग क्या है, और सर्वेस किए जाएं और भी रिसर्च की जाए कुछ कंक्लूड करने के लिए। एडिशनल सर्वेस की असम में ज़रूरत है, एज वेल एज मेघालय एंड मणिपुर में भी, ताकि कल्चर को वहाँ पे अंडरस्टैंड किया जाए। तो इस तरह के जो न्यूज़ है ये आती रहती है। प्रीलिम्स के लिए भी इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेगालिथिक स्वॉर्ड अनअर्थ फ्रॉम रॉक कट केव इन कोझिकोड, ये जैसे 2019 का न्यूज़ था। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद मेगालिथिक कल्चर इन इंडिया? आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, हॉर्सेस, डॉल्मेंस। आप मुझे करेक्ट आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। देन फॉर द कोर्सेज यू कैन विजिट वेबसाइट और डाउनलोड द ऐप। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।